आज डिस्कस करते हैं डेकोरेटर फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? डेकोरेटर फंक्शंस है ना, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। डेकोरेटर फंक्शन, तो ये छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जैसे डेकोरेटर फंक्शंस, जनरेटर फंक्शंस है ना, इनको देखते हैं। देखो डेकोरेटर फंक्शंस जो होते हैं आपके, ये क्या करते हैं, किसी दूसरे फंक्शन को, डेकोरेटर फंक्शन क्या काम करते हैं, दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेते हैं। अब तक आपने आर्ग्यूमेंट में क्या पास किया, कोई फंक्शन था उसमें क्या आर्ग्यूमेंट पास करते थे, इंट, फ्लोट, लॉन्ग। लेकिन हम देखेंगे कि डेकोरेटर फंक्शन के अंदर हम कोई दूसरा फंक्शन डालेंगे डेकोरेटर के अंदर है ना, वो क्या करेगा, उसको मॉडिफाई करके एक नया फंक्शन बना देगा है ना। अगर आप कुछ नई फंक्शनैलिटी चाहते हो तो नया बना देगा, तो ऐसी फंक्शनैलिटी को हम क्या कहेंगे, डेकोरेटर फंक्शन। ये फंक्शनैलिटी कैसे आएगी, सपोज ये आपका डेकोरेटर ठीक है, इसमें हमने कोई फंक्शन डाला, इनपुट डाला, इनपुट इनपुट में क्या डाला, कोई भी फंक्शन पास किया है ना। अगर आपको इस नॉर्मल फंक्शन को आप कॉल करोगे तो आउटपुट आपका सेम आता रहेगा, चाहे 10 बार कॉल करो, लेकिन एक कंडीशन पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का आउटपुट कुछ और आएगा है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक आपका न्यू न्यू वर्किंग देगा, न्यू वर्किंग है ना, ये फंक्शन किसकी हेल्प से, डेकोरेटर की। तो आप डेकोरेटर में एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास करोगे, वो एक नई फंक्शनैलिटी निकल के आएगी। इस न्यू फंक्शनैलिटी किसकी हेल्प से आई, डेकोरेटर की हेल्प से। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है, क्लियर है। देखो जैसे मैंने एक फंक्शन लिया विश फंक्शन है ना, उसमें मैंने एक आर्गुमेंट पास किया नेम और प्रिंट करा दिया, प्रिंट ठीक है, मैंने लिखा हेलो है ना, नेम जो भी नेम पास करेंगे, नेम है ना, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग ठीक है। हमने यहां लिखा है नेम की जो भी वैल्यू होगी, जैसे हेलो अमित गुड मॉर्निंग, हेलो है ना कुछ और रवि गुड मॉर्निंग, इसी तरह से ये आपका विश फंक्शन काम करेगा। तो ये आपका जो विश फंक्शन है, अगर आप इसको नॉर्मली कॉल करते हो विश है ना, मैंने नाम पास कर दिया जैसे इसमें रवि, अब इसका एग्जीक्यूट किया, ये आ गया हेलो रवि गुड मॉर्निंग ठीक है। चाहे कितनी बार कॉल करा दो, चाहे हर बार आउटपुट क्या देगा, ये रवि है ना, राज ये दे देते हैं, हेलो राज गुड मॉर्निंग, सबको ये कहेगा। लेकिन एक मैं ऐसी कंडीशन लगाना चाह रहा हूं, अगर नेम आपका कुछ और हो तो उसको गुड मॉर्निंग की जगह है ना बैड मॉर्निंग कहे, उस पर्टिकुलर केस के लिए। तो हम क्या करेंगे, डेकोरेटर से इसको करते हैं। देखो जैसे यहां से देखो मैंने क्या करा, एक डिफाइन किया, देखो डेकोरेटर भी क्या होता है, फंक्शन ही होता है डेकोर है ना। इसमें हम क्या पास करेंगे, डेकोर के अंदर फंक्शन पास करेंगे, फंक्शन पास करेंगे है ना, फंक्शन और डिफाइन किया इसके अंदर इनर नेम, इनर नेम और प्रिंट कराया मैंने, प्रिंट एक कंडीशन लगाते हैं इसमें, इफ अगर नेम, अगर आपका नेम कुछ भी आ जाए, जैसे सन्नी ठीक है, सन्नी को क्या कहना है, बैड मॉर्निंग, तो मैं प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट प्रिंट हेलो सन्नी बैड मॉर्निंग, बैड मॉर्निंग ये मैं प्रिंट करा दूंगा। एल्स 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 में क्या करें, एल्स में जो आपका फंक्शन है, फंक्शन जो पास करेंगे उसमें नेम पास कर दो बस, और रिटर्न करा देंगे रिटर्न इनर, ये आपका डेकोर बनाया, समझ रहे क्या बनाया है, डेकोर। इसकी वर्किंग समझ आता हूँ कैसे काम करेगा।
मैंने लिखा एट द रेट डेकोर, डिफाइन किया विश मेथड, ठीक है। विश यहां पर नेम लिया, जैसे पिछले एग्जांपल में लिया था मैंने, प्रिंट कराया हेलो, ठीक है। यहां पर नाम दे दिया, नेम मैंने दिया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने विश मेथड कॉल कराया, मैंने लिखा यहां पर रवि, विश मेथड कॉल कराया है ना, जैसे सन्नी विश मेथड कॉल कराया है ना। अच्छे अब देखना इस पर ये फंक्शन कैसे काम करेगा। आपका कौन सा फंक्शन यहां से है? अगर मैं ये पार्ट ना लूं, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? रवि पास किया, विश फंक्शन में जाएगा, यहां पर रवि नेम आ गया, क्या लिखा आएगा? हेलो रवि गुड मॉर्निंग। ऐसे ही विश मेथड पास किया, कहां जाएगा? हेलो सन्नी गुड मॉर्निंग। ऐसे ही अजय गुड मॉर्निंग, हेलो अजय गुड मॉर्निंग, इस तरह से आउटपुट आएगा। लेकिन आपने यहां क्या लगा रखा है कि डेकोर लगा रखा है, यानी कि आपने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कराने से पहले आप किसके पास जाएगा आउटपुट, ये विश फंक्शन कहां चला जाएगा, यहां पर देखो कैसे। आपने फंक्शन बना रखा है कौन सा, डेकोर, ये डेकोर फंक्शन बना रखा है, ठीक है। अगर आपने ये लाइन लिख रखी है ये वाली, तो आपका विश मेथड डायरेक्ट यहां से कॉल नहीं होगा, ये कहां जाएगा कंट्रोल आपका, पेन चेंज करता हूं, यहां से जैसे आप कॉल करोगे ये फंक्शन चला जाएगा विश फंक्शन यहां पर इसके अंदर है ना। नेम, नेम क्या है रवि, वो चला जाएगा नेम के अंदर है ना। अब चेक होगा नेम क्या है, सन्नी है नहीं, रवि पास किया तो ये प्रिंट नहीं होगा। एल्स फंक्शन, ये दोबारा यहां से यही फंक्शन कॉल करा दो, दोबारा यही आ जाएगा, तो विश फंक्शन कॉल हो जाएगा रवि है ना, हेलो रवि गुड मॉर्निंग। ऐसे ही यहां से तुमने विश फंक्शन कॉल कराया, विश फंक्शन में आपने एक लाइन लिख रखी है डेकोर, ये वाली, ये कंट्रोल कहां जाएगा, यहां से डायरेक्ट डेकोर के फंक्शन जाएगा। फंक्शन हमने पास कर दिया विश, हमने चेक किया नेम क्या है, नेम हमने क्या पास किया, सन्नी, नेम मैच हो गया क्या, नेम इज इक्वल टू सन्नी, तो प्रिंट हो जाएगा हेलो सन्नी बैड मॉर्निंग, ये प्रिंट हो जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही जब ये आपने अजय पास किया, ये दोबारा फिर यहां जाएगा, नेम चेक होगा यहां पर, नेम क्या है अजय है ना, नेम नॉट इज इक्वल टू सन्नी फॉल्स, एल्स में जाएगा, एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, ये फंक्शन दोबारा यहीं से दोबारा ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। नेम क्या है अजय, हेलो अजय गुड मॉर्निंग, इस तरह से एग्जीक्यूशन इसका चलेगा। एल्स एल्स, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करो, ये देखो हेलो रवि गुड मॉर्निंग, हेलो सन्नी बैड मॉर्निंग, सन्नी के केस में क्या करा इसने, बैड मॉर्निंग। अदरवाइज सबके लिए क्या आना चाहिए था, जब आपने विश फंक्शन कॉल कराया, जब आप विश फंक्शन कॉल करा रहे हो तो हर केस में क्या आना चाहिए था, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये बैड मॉर्निंग क्यों आया, तो आपने क्या करा, इस फंक्शन को, विश फंक्शन को आप डायरेक्ट कॉल नहीं करा रहे, इस विश फंक्शन को किसके अंदर पास कर रहे हैं, डेकोर के, और डेकोर के अंदर आपने कंडीशन लगा रखी, अगर नाम सही होगा तो भाई मैं ये प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा, हेलो सन्नी बैड मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से ये आपका डेकोर फंक्शन काम करता है, ये आपको लाइन लिखने में मैंडेटरी है, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूं, अब देखो आउटपुट क्या आएगा, सारे में केस में क्या रहा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग है ना, आपने ये लाइन हटा दी यहां से, तो इसका मतलब है कि विश फंक्शन यहां से विश फंक्शन डायरेक्ट कॉल हो रहा है, यहां से भी विश फंक्शन क्या कॉल हो रहा है, डायरेक्ट कॉल हो रहा है, ऊपर तो कंट्रोल जा ही नहीं रहा। तो अगर आप चाह रहे हो कि ये विश फंक्शन
पहले कहाँ जाए, यहाँ से इसके पास डायरेक्ट ना आए, ये कहाँ से जाए, ये यहाँ से यहाँ पास करो फंक्शन, और फंक्शन को बाद में रिटर्न करें। अगर नेम सन्नी है तो ये प्रिंट करें, अगर नहीं है तो उसे एज इट इज रिटर्न कर दें। रिटर्न करने वाला वहीं पर आ जाओ, दोबारा नेम प्रिंट हो जाएगा, हेलो नेम गुड मॉर्निंग। बोले पॉइंट क्लियर है? नहीं? यस, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एट द रेट जो भी फंक्शन का नाम लिया तुमने, डेकोर, डेकोर लिखना ही पड़ेगा आपको 101% ही। तो अभी ये भी इस फंक्शन डायरेक्ट कॉल ना होके इस फंक्शन के थ्रू कॉल होगा, ठीक है। तो आपका बिहेवियर देखो, सन्नी के लिए बैड मॉर्निंग हो रहा है, लेकिन सबके लिए क्या हो रहा है, गुड मॉर्निंग। तो आपने क्या करा है, इस फंक्शन को यहाँ पर चेक कर लिया इस कंडीशन, ठीक है जी। और देखते हैं एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अब आप चाह रहे हो कि मैं एट द रेट ना लगाऊं तब भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, है ना। तो एक तरीका और है, आपने डिफाइन किया फिर वही डेकोर, है ना, डेकोर में हमने फंक्शन पास कर दिया, फंक्शन, और डिफाइन किया इनर नेम, ठीक है जी। इफ फिर वही ले लिया कंडीशन, नेम इज इक्वल टू, अगर नेम क्या है, सन्नी है, तब भी मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट हेलो सन्नी बैड मॉर्निंग, ये प्रिंट कराना है। एल्स अगर नाम सन्नी नहीं है, एल्स अगर सन्नी नाम नहीं है तो आपका जो भी फंक्शन है उसको कॉल करा दो, नॉर्मली फंक्शन है उसको कॉल करा दो, जो भी नेम पास करा उसके साथ, और उसको क्या कर दूं मैं, रिटर्न, रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। अब आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, ये तो डेकोर बना दिया आपने, एक फंक्शन लिया डिफाइन किया, विश, विश में मैंने नाम पास कर दिया नेम, ठीक है, और प्रिंट कराया हेलो नेम, जो भी नेम है, हेलो नेम गुड मॉर्निंग, ये प्रिंट कराया, ठीक है जी। आपने क्या किया, इस बार हम क्या कर रहे हैं, एट द रेट नहीं लगा रहे, समझ रहे, एट द रेट नहीं लगा रहे, तो क्या करें फिर, तो उसके लिए एक फंक्शनैलिटी बनाई गई। अगर आप एट द रेट नहीं लगाना चाह रहे तो आप लिखो डेकोर फंक्शन, कुछ भी लिख दो, डेकोर फंक्शन इज इक्वल टू डेकोर, ये वाला नेम आ जाएगा डेकोर, और डेकोर के अंदर हमने कौन सा मेथड पास कर दिया, विश, ठीक है। अगर आप एट द रेट लिख रहे हो यहाँ पर डेकोर, है ना, तब भी ये विश फंक्शन ऑटोमेटिकली इससे होके जाएगा डेकोर से, है ना। अगर आप ये नहीं लिख रहे, आप फिर अगर ये लाइन नहीं लिख रहे तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, डेकोर में हमने क्या पास कर दिया, विश, और जो भी पास करने पर रिजल्ट आया वो इसको दे दिया डेकोर को, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है ना कुछ, तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, वो डेकोर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। डेकोर फंक्शन में मैंने पास कर दिया, जैसे कुछ भी पास कर दो, जैसे मैंने एक लिया विश, विश फंक्शन में मैंने पास किया अजय, विश फंक्शन में मैंने पास किया, है ना, सन्नी। अब देखो आउटपुट क्या आएगा, मैंने बताया अगर यहां एट द रेट नहीं लगा हुआ है, यहां पर एट द रेट डिकोर नहीं लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन आपका डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, आपको इस फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो दिखाते हैं तुम्हें, तो दोनों में केस में क्या आएगा, अजय हेलो, अजय गुड मॉर्निंग, सन्नी हेलो सन्नी गुड मॉर्निंग, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नेम, अच्छा नेम इक्वल टू असाइनमेंट, अब एग्जीक्यूट करो,
ये देखो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, लेकिन आपका आउटपुट क्या आना चाहिए था? सन्नी के लिए बैड मॉर्निंग आना चाहिए था, लेकिन आपने तो इसको तो यूज किया ही नहीं। यहां से ये क्या रिटर्न हो रहा है इसमें, ये बताएगा कोई क्या रिटर्न हो रहा है यहां से? ये जो रिटर्न कर रहा है, ये डिकोर जो रिटर्न कर रहा है, ये तो रिटर्न करेगा क्या, हेलो सन्नी बैड मॉर्निंग, या वही फंक्शन रिटर्न कर देगा? ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करें? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको वही आउटपुट चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये जो आउटपुट में आया इसमें पास करेंगे, इसके अंदर मैंने पास कर दिया क्या अजय, और इसमें पास कर दिया सन्नी। अब देखो आउटपुट क्या आएगा, इन दो के केस में तो डायरेक्ट कॉल हो रहा है, कौन सा, विश मेथड। इस केस में आपका कहा जा रहा है यहां पर, और यहां पर भी कहा जा रहा है यहां पर, लेकिन इस केस में ये कहा जाएगा यहां पर, और इस केस में भी कहा जाएगा ये यहां पर, और यहां से नेम चेक होगा, अगर नेम सन्नी होगा तो ये आउटपुट आएगा, अदरवाइज आपका फंक्शन एज इट इज कॉल हो जाएगा यहां से, ये वाला फंक्शन कॉल एज इट इज। ठीक है, तो देखो इसे एग्जीक्यूट किया, ये आ गया यहां पर, क्या आया, सन्नी बैड मॉर्निंग। तो आप अगर एट द रेट नहीं लिखना चाह रहे तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी। तो दो तरीके हैं डेकोर फंक्शन को कॉल कराने के, एक तो एट द रेट करके लिख दो, है ना, या इस तरीके से, जो भी, ये कुछ भी ले लो, ये जरूरी नहीं डेकोर फंक्शन लेना है, कुछ भी ले लो, ए बी सी, मर्जी है तुम्हारी। ए बी ले लिया तो यहां पर भी आपको ए बी लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसका एग्जीक्यूट करो, सेम आउटपुट आएगा। क्लियर पॉइंट? अगर आप एट द रेट नहीं लिखना चाह रहे तो आपको ये जो लाइन जरूर लिखनी है, कौन से वाली, ये वाली, यानी कि डेकोर फंक्शन कॉल कराया आपको। यहां तो हो क्या रहा है, जैसे आपने लिखा डेकोर, इंटरनली ये लाइन कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से, ठीक है, और ये एक्सप्लिसिट है, अगर ऐसे लिख रहे तो इम्प्लिसिट, अंदर ही अंदर ये बाहर। क्लियर है सभी के? ओके, ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखो जैसे नेक्स्ट हमें ना क्या करना है, कि फंक्शन बनाया, एक डेकोर बनाया, एक फंक्शन बनाया स्मार्ट डिवीजन, स्मार्ट डिवीजन, और उसमें एक फंक्शन पास कर दिया, फंक्शन कौन सा, फंक्शन जो नंबर को डिवाइड करेगा। अब हमने डिफाइन कर दिया यहां पर क्या, डिफाइन इनर, और इनर के अंदर दो वेरिएबल पास कर दिए ए और बी, ये डिफाइन किया, वो प्रिंट करा दिया, प्रिंट, और हाँ प्रिंट करा दिया, या एक कंडीशन लगा दी, इफ इफ बी इज इक्वल टू, अगर बी जो सेकंड पैरामीटर है इसकी वैल्यू 0 है तो हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, है ना, ओप्स कैन नॉट डिवाइड, ये लिख देंगे, एज अगर बी की वैल्यू 0 नहीं है तो आप क्या रिटर्न करा दोगे, रिटर्न, है ना, जो भी आपका फंक्शन है उस फंक्शन को एज इट इज रिटर्न करा दोगे ए और बी वैल्यू के साथ, ए कोमा बी के साथ, ठीक है जी। और यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न में लिख देते हैं इनर, ये आपका एक डेकोर हो गया। इस डेकोर का नाम क्या है, स्मार्ट डिवीजन, ठीक है। आपने एक फंक्शन डिफाइन किया डिवीजन, डिवीजन, और इस डिवीजन के अंदर मैंने पास किया ए और बी, और आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया ए डिवाइड बाई बी, जो भी रिजल्ट आएगा ए डिवाइड बाई बी। अब मैंने क्या किया, प्रिंट कराया, प्रिंट कराया, अब आउटपुट बताना, डिवीजन 10 डिवाइड बाई 2, क्या आउटपुट आएगा, प्रिंट डिवीजन 10 डिवाइड बाई 0,
बोलो। यहां से अभी देखो मैंने इसके ऊपर यहां पर एट द रेट नहीं यूज किया, ठीक है, एट द रेट यूज नहीं किया, तो ये क्या करेगा, यहां से डायरेक्ट यहीं पर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा ये। तो 10 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, A 5, और 10 डिवाइड बाई 0 एक एक्सेप्शन आ जाएगा, डिविजिबल बाई 0, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, अरे यार कट हो गया गलती से, इसमें अंडू का तो ऑप्शन नहीं आता शायद। एक मिनट, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने इसको प्रिंट कराया, देखो एक में 5 आ जाएगा और एक में एक्सेप्शन आ जाएगी, ये आ गया आपका क्या, डिवीजन, ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट बी। ये क्या कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पर प्रिंट सेल्फ, पास कर दो सेल्फ, अब चेक करो। 10 डिवाइड बाई 2 डिवीजन मिसिंग 2 एंड बी, ए एंड बी तो पास कर दिए इसमें, ए डिविजन बाई बी, ठीक है, ये डिफाइन इनफ ए बी, अगर बी की वैल्यू 0 है तो ओप्स कैन नॉट डिविजन, ठीक, ये भी फंक्शन ए और बी पास करते, ठीक है, इन्हें रिटर्न किया, इसमें डिविजन रिटर्न डिफाइन किया, डिविजन ए डिवाइड बाई बी, और डिविजन को 20 और ये 10 20, अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा मैं यहाँ पर लिखता हूँ एट द रेट स्मार्ट डिवीजन, स्मार्ट डिवीजन ये वाला है ना, ये डेकोरेटर यूज किया, अब तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मिसिंग, अच्छा सॉरी, ये हमने क्या किया, 10 कॉमा 2 लिखना पड़ेगा, है ना, दो पैरामीटर पास करें ना ये डिवीजन के अंदर, ठीक है, और इस लाइन को हटाता हूं मैं, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, देखना आउटपुट क्या आ गया, 5.0, दूसरे में क्या आ गया, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, डिवीजन बाय 0, ठीक है, ये आ गया डिवीजन बाय 0, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये डिवीजन बाय 0 के केस में क्या रिटर्न करे, ओप्स कैन नॉट डिवीजन, तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को कॉल करने से पहले आप इस फंक्शन को कहां पास कर दोगे, स्मार्ट डिवीजन के अंदर, अगर b की वैल्यू 0 होगी तो ये प्रिंट कर देगा ओप्स कैन नॉट डिवाइड, है ना, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एट द रेट जो भी आपका डेकोरेटर है उसका नाम डिवीजन, ये लिख। अब ये फंक्शन यहां से डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, ये फंक्शन आपका यहां से डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, ये पहले यहां पर जाएगा फंक्शन, और उसकी जो ए बी पैरामीटर है इस फंक्शन के अंदर उनके लिए कंडीशन चेक के, अगर बी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ही आ जाए, अगर नहीं है बी की वैल्यू 0 तो आपका फंक्शन यहाँ से दोबारा वहीं पर चला जाए, ये फंक्शन, तो ए डिवाइड बाई 0 कर देगा, वो बी कर देगा, तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो 5.0 और ओप्स कैन नॉट डिविजन, है ना, कैन नॉट डिविजन है तो आपका डिविजन नहीं होगा, नन आ जाएगा, क्लियर है, इस तरह से आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो आप डेकोरेटर को, आपने क्या किया, डेकोरेटर का मतलब क्या है समझ लो, कि आप इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल ना करा के किसी दूसरे फंक्शन से को पास करा रहे, और उस फंक्शन के लिए कुछ कंडीशन लगा रखी, इस सर्टेन कंडीशन पे ये आपका फंक्शन सही काम ना करे, जिसका ओरिजिनल वर्क क्या है, वैसे इसका काम क्या है, डिविजन करना, लेकिन हमने कंडीशन ऐसे लगा दी कि अगर बी की वैल्यू 0 मिल जाए तो ये है ना डिवीजन ना करे और ये मैसेज दे दे, ठीक है, तो इस तरह की अगर आप फंक्शनैलिटी चाह रहे हो तो आप क्या करो, फंक्शन को डायरेक्ट कॉल ना करा के किसी एक डेकोरेटर के अंदर से पास करा दो, तो डेकोरेटर में जो भी कंडीशन अगर मीट मिल गई है ना तो आपका ठीक है, नहीं मिली तो ये आपका जो भी मैसेज आप देना चाह रहे हो वो दे सकते हैं, क्लियर है।
ओके हाँ, वो डिवीजन इसलिए आया था ना, देखो ये जो एरर आया था डिवीजन, अगर आप ये नहीं लिख रहे हो, अगर आप डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, अब मैंने लाइन हटा दिया से एट द रेट, तो इस केस में क्या होगा, आपका ये फंक्शन डिवीजन यहां से डायरेक्ट कॉल होगा, ये डेकोरेटर कॉल ही नहीं होगा, यहां तक तो यहां तक जाएगा नहीं, और ना ही इसके केस में ये डायरेक्ट कॉल होगा यहां पर। जब डायरेक्ट कॉल होगा तो ऑब्वियस है, जब ए को डिवाइड करेंगे जीरो से तो ऑब्वियस है, तो एक्सेप्शन आएगी। हाँ, कितने भी डेकोरेटर ले सकते हैं आप, मर्जी आपकी, समझ रहे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं उसमें, ठीक है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये देखो इस केस में क्या है। हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू भी आप इसको हैंडल कर सकते हो, वो अलग मैकेनिज्म है, एक्सेप्शंस को हैंडल करना वो अलग से टेक्निक है, समझ रहे। यहां पर जब भी आप गलती करोगे, तो जब भी ये बी, यहां तो सिर्फ ये है कि अगर बी की वैल्यू जीरो होगी, जरूरी नहीं, अगर बी की वैल्यू, अगर आपने 10 दे दी, बी की वैल्यू 10 दे दी, उप्स कैन नॉट डिविजन देगा, समझ रहे। देखो मैंने क्या किया, इसको 100 को डिवाइड करा यहां पर 10 से, तब भी यही एक्सेप्शन उप्स देगा, 10 डिवाइड बाई 0। अच्छा ये लाइन लिखो, एट द रेट स्मार्ट डिविजन। अब ये लाइन लिखने से क्या हुआ, ये फंक्शन डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, इसके थ्रू पास हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो ओप्स कैन नॉट डिवाइड, है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग में जब भी बी की वैल्यू जीरो होगी उसी के लिए काम करेगा बस। लेकिन यहां पर आप जो भी कंडीशन देना चाह रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्लियर है। चलो एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन मैंने दिया डेकोर, इसके अंदर एक फंक्शन पास कर दिया, और मैंने डिफाइन किया है एक इनर, इनर है ना, और इसमें मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट कुछ भी प्रिंट करा दो, हेयर डेकोरेटर, प्रिंट करा दिया, स्पेस डेकोरेटर, डेकोरेशन कुछ भी मैसेज दे दो, ठीक है, प्रिंट करा दिया, ठीक है, कुछ भी मैसेज दे दो, दो, और एक फंक्शन कॉल करा दिया, आपका जो भी फंक्शन था उस फंक्शन को यहाँ से कॉल करा दिया, रिटर्न कराया, रिटर्न यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाई मैंने, इनर रिटर्न करा दिया, और एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइंड गेट रेडी, गेट रेडी ये फंक्शन डिफाइन किया, कुछ भी ले लो, है ना, मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट रेडी फॉर मैरिज, मैरिज के लिए रेडी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, डी इज इक्वल टू या तो एट द रेट लिख दो यहां पर, ठीक है, या फिर क्या करें, या इस फंक्शन को, या एक तरीका और बताया था मैंने, अगर एट द रेट नहीं लिखना चाह रहे तो आप क्या लिख सकते हो, जो भी आपका फंक्शन है ये मैरिड डिकोडर, इसके अंदर फंक्शन पास कर दो, ये इसमें कौन सा फंक्शन पास कर दिया, गेट रेडी फंक्शन पास कर दिया, ठीक है जी, और ये क्या आ गया, किसके अंदर आ गया, डी, और डी को कॉल करा दो, डी बस। अब देखो क्या आएगा, सबसे पहले जब भी यहां से ये फंक्शन पास कर दिया, ये लाइन लिखी, ये इस मैरिज डिकोडर के अंदर गेट रेडी फंक्शन, ये फंक्शन पास कर दिया, जैसे फंक्शन पास किया यहाँ पर जाएगा, आपका इनर जो फंक्शन है ये डिफाइन किया, ये आएगा, है हेयर डेकोरेशन चल रही है ना, फेस डेकोरेशन चल रही है, उसके बाद दोबारा क्या आ जाएगा, मैसेज गेट रेडी फॉर मैरिज, है ना, ये इस तरह से आउटपुट आ जाएगा, तो ये आ गया, ठीक
ठीक है, अब मुझे एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से। आपका जो गेट रेडी फंक्शन है, इस गेट रेडी फंक्शन क्या प्रिंट कराएगा? रेडी फॉर मैरिज, हमेशा जब भी आप इसको कॉल कराओगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस फंक्शन के कॉल होने से पहले ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाए, समझ रहे? दोबारा सुनो, मैं अगर इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कराऊं, इस फंक्शन को देखो, ये एक फंक्शन है आपका गेट रेडी, है ना? आपने एक डेकोरेटर बना रखा है, ये कौन सा है? मैरिज डेकोरेटर फंक्शन बना रखा है। आपने क्या किया, अगर कोई इस फंक्शन को कॉल कराता है डायरेक्ट, तो क्या प्रिंट होगा? रेडी फॉर मैरिज। लेकिन अगर आप इस गेट फंक्शन को इसके अंदर से पास कर दें, मैरिज डेकोरेटर के इसके अंदर से पास कर दें, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हेयर डेकोरेशन, फिर उसके बाद फेस डेकोरेशन, उसके बाद रेडी फॉर मैरिज, ये आउटपुट आ जाएगा। तो दो लाइनें ये आपकी एक्स्ट्रा ऐड होगी, एक्सटेंड होगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि मैं गेट रेडी फंक्शन में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दूं रन टाइम पे, तो आप एक डेकोरेटर बना के रखो। अगर कोई इसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है गेट रेडी को, तो आप हमेशा ये मैसेज मिलेगा। अगर आप चाह रहे हो कि मैं इस फंक्शन को इसके थ्रू पास करके जाऊं, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो भी इस फंक्शन में ऐड हो जाएगी, और फिर आउटपुट क्या आएगा आपका? ये वाला। अगर डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूं, ये देखो, अगर मैं गेट रेडी को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूं, गेट रेडी को डायरेक्ट एक्सेस करूंगा, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? सिर्फ रेडी फॉर मैरिज, ये वाला लास्ट वाला, ये आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है ना? तो गेट रेडी को डायरेक्ट कॉल करोगे तो सिर्फ एक लाइन मिलेगी। अगर गेट रेडी को किस में पास कर देंगे? इसे डेकोरेटर के अंदर पास कर देंगे, तो आपको दो लाइन और मिलेंगी एक्स्ट्रा, ठीक है? फिर आपका फंक्शन वापस वही कॉल हो जाएगा जो पास किया था। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक डेकोरेटर का, अब पढ़ते हैं डेकोरेटर चेनिंग। मैंने क्या किया, सपोज एक एग्जांपल लिया, डिफाइन किया एक फंक्शन डेकोर वन, है ना? इसके अंदर एक फंक्शन पास कर दिया, फंक्शन पास कर दिया, कोई भी पास कर दो, जरूरी नहीं है आपका FUNC लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वेरिएबल है तो, है ना? बट इसके वेरिएबल के अंदर क्या होगा आपका? फंक्शन होगा। इनर जरूरी नहीं, इनर ही लोग और कुछ भी ले सकते हैं आप। मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू FUNC फंक्शन और रिटर्न करा दिया, रिटर्न एक्स इंटू एक्स, ठीक है? और रिटर्न करा दिया इनर, एक डेकोरेटर लिया, ये एक डेकोरेटर ये लिया, ठीक है? अब मैंने क्या किया, एक डेकोरेटर और लिया, डिफाइन डेकोर, उसके अंदर भी मैंने फंक्शन, कितने भी डेकोरेटर जो आप पूछ रहे थे कि एक से ज्यादा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, डिफाइन किया इनर, ठीक है? इनर, इस इनर के अंदर एक्स इज इक्वल टू फंक और रिटर्न करा दिया, रिटर्न करा दिया टू इंटू एक्स सपोज, और रिटर्न इनर। तो आपके यहां पर दो डेकोरेटर है, एक ये और एक ही है। अब इसका एग्जीक्यूशन देखना, मैंने लिखा एट द रेट डेकोर वन, एट द रेट डेकोर, और आपने फंक्शन एक डिफाइन किया एक फंक्शन, इसका नाम ले लेते हैं नंबर, और इसे नंबर में हमने रिटर्न करा दिया 10, ठीक है जी? अब मैंने कॉल कराया, देखना थोड़ा ध्यान से, प्रिंट प्रिंट नो। अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा?
मैंने दो डेकोरेटर लगाए इसके ऊपर, पहले आउटपुट क्या आएगा, 10 × 10 100 या 2 × 10 20। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स RETURN, यस। अब चेक करते हैं आपका आउटपुट क्या है, ना तो आपका यहाँ कितना 100 10 × 10 100 और ना 10 10 × ये ऐसा क्यों आया भाई आउटपुट, बोलो। देखो जो आपका नम फंक्शन है इस पे जो हमें ना टू डेकोरेटर अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, टू डेकोरेटर। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो फर्स्ट इनर डेकोरेटर है विल वर्क देन आउटर। अब इसमें से इनर और आउटर देखो कौन सा है, ये इसकी फंक्शनैलिटी को समझाएगा, ये कैसे एग्जीक्यूट आया आप बोलो। सबसे पहले इनर डेकोरेटर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आउटर। तो इनर कौन सा है, आउटर कौन सा है, यस। ये देखो अब यहां से समझना थोड़ा ध्यान से, यहां से आपने क्या रिटर्न कराया, डेकोरेटर वन। यहां पर कहां पर जाएगा ये नम, किसके पास पास कर देंगे, इसके पास, ठीक है। यहां से ये वैल्यू, ये नम फंक्शन कहां चला जाएगा, इस डेकोरेटर के पास, ठीक है। इस इनर डेकोरेटर के आपने फंक्शन रिटर्न कराया, फंक्शन आपका फंक्शन क्या है, नम। नम ने क्या रिटर्न करा, एक्स, एक्स की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 10, तो 10 × 10 100, ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 100, समझ रहे, ये आपको 100 रिटर्न कर रहा है। तो जैसे ही इसने 100 रिटर्न करा, आपने इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, 100 होगी, ये डेकोरेटर कंप्लीट। जैसे ही अब आपका ये इनर डेकोरेटर कॉल होगा, यहां से दोबारा ये फंक्शन कॉल कराया है ना, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स में कितना है, फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू ये क्या रिटर्न कर रहा था, 100, ठीक है। तो आपने रिटर्न 2 टाइम्स करा, 2 × x, 2 × x का मतलब है, x क्या है, x, x का मतलब है कि आपका फंक्शन जिसने 100 रिटर्न करा था उसको आपने 2 बार कॉल कराया, उस फंक्शन को क्या, 2 बार एग्जीक्यूट किया, तो ये फंक्शन आपका 2 बार एग्जीक्यूट हो, 200। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 100 × 100 कितना हो गया आपका, 200, ठीक है। एक मिनट, फिर कंफ्यूजन है, देखो अब इसमें जो कंफ्यूजन था उसे समझो। देखो ये दो हैं, ये दो डेकोरेटर हैं आपके, इसमें ये वाला जो डेकोरेटर है जो ऊपर होगा ये आउटर डेकोरेटर, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं इनर डेकोरेटर। सबसे पहले इनर डेकोरेटर एग्जीक्यूट होगा आपका, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इनर डेकोरेटर, ठीक है। इनर डेकोरेटर यूज करो, तो आपका डेकोर जो इनर वाला है इसको एग्जीक्यूट करो, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, तो फंक्शन ने क्या रिटर्न करा, एक्स की वैल्यू कितनी है, आपने रिटर्न क्या करता है, नम फंक्शन 10 10 10 × 2 × x, ये कितना हो गया, 20, ये आपका एग्जीक्यूट हो गया है ना, 20। अब आपका आउटर एग्जीक्यूट होगा, जैसे वहां आउटर पे जाओगे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 20, अभी क्या रिटर्न करा, इनर डेकोरेटर ने 20 रिटर्न करा, तो इसकी वैल्यू होगी 20, तो 20 × 20 ये होगा, 20 × 20 ये आपका होगा 400, ये आपका आउटपुट आ जाएगा 400। बस इसमें हल्का सा यही कंफ्यूजन था, मैं बार बार क्या कर रहा था कि इस वाले डेकोरेटर को पहले चला रहा था, बल्कि मुझे इनर डेकोरेटर पहले चलाना है ना, ये डेकोरेटर जो नीचे लिखा होता है, इसको मैं क्लीन करता हूं, एक मिनट दोबारा देखो, आपका ये जो डेकोरेटर है ये इनर डेकोरेटर है, ये आउटर डेकोरेटर। तो सबसे पहला आपको जो चलाना है इनर, जो नम फंक्शन के बिल्कुल नियर है उसको एग्जीक्यूट करेंगे पहले,
ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले इनर डेकोरेटर यूज करो, ये डेकोर डेकोर ये यूज करा, ठीक है। अगर तीन होते तो इसी सीक्वेंस में होते, पहला दूसरा और फिर तीसरा, है ना। तो सबसे पहला आपने ये डेकोर एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट किया आपने फंक्शन x, x की वैल्यू 10, 10 इंटू 2 ये हो गया 20, यानी कि जो पहले वाला डेकोर है वो क्या रिटर्न कर रहा है, 20, ठीक है। तो ये 20 वैल्यू अब किसको जाएगी, इस वाले डेकोर को। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक डेकोर ये है आपका, ये फंक्शन है आपका डेकोर, एक फंक्शन हो रहा है डेकोर वन, ये डेकोर वन है, आपने इसमें क्या पास किया, 10 पास किया, डेकोर ने इसकी वैल्यू कितनी कर दी, 20, 20, और डेकोर वन ने 20 की वैल्यू क्या कर दी, एक्स इंटू एक्स, 20 इंटू 20, इसने क्या कर दिया, 400, इस तरह से चल रहा है। तो पहले आप ये वाला डेकोर चलाओ, फिर उसके बाद ये वाला डेकोर चलाओ, समझ आया या नहीं। ये थी इसमें फंक्शनैलिटी, हम क्या कर रहे हैं, पहली बार पहले इसे चला रहे थे, इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, इसको नहीं एग्जीक्यूट करना, पहले इसको चलाओ, और इसका जो रिटर्न है, इसका जो रिटर्न टाइप है वो किस में पास कर दो, डेकोर टू में, डेकोर सॉरी डेकोर वन में पास कर दो, ठीक है। और डेकोर वन क्या काम कर रहा है, एक्स इंटू एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई कर रहा है 400 पे। तो इस तरह से आप कितने भी डेकोर यूज कर सकते हैं एक के ऊपर एक, तो जो सबसे नियर होगा नम फंक्शन के, है ना, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसको बोलते हैं डेकोर चेनिंग, इसको क्या बोलते हैं, डेकोर चेनिंग। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, व्हाट इज डेकोर चेनिंग। अगर हम मल्टीपल डेकोरेटर अप्लाई कर रहे हैं सेम फंक्शन के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, डेकोरेटर चेनिंग। एक फंक्शन पे एक से ज्यादा डेकोरेटर अप्लाई क्या कहलाता है, डेकोरेटर चेनिंग, है ना। तो ये था आपका डेकोरेटर के बारे में, ठीक है जी। इसको एग्जीक्यूट करो, ये आ गया 400, ठीक है। आज इतने रखते हैं, कल देखते हैं फिर।